सिंगरौली में रीवा विद्युत विभाग में पदस्थ सीनियर इंजीनियर शरद श्रीवास्तव पर विभाग की ही सिंगरौली में पदस्थ महिला जूनियर इंजीनियर ने यौन शोषण का आरोप लगाया है, जिसके बाद पुलिस ने महिला की शिकायत पर SC ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। सिंगरौली में पदस्थ महिला जूनियर इंजीनियर ने सीधी में अपने कार्यकाल के दौरान उनके साथ यौन शोषण का आरोप लगाया है। हालांकि इस मामले की शिकायत पहले पीड़ित महिला ने अपने MPEV विभाग में की थी, लेकिन विभाग के लोगों ने जब कोई कार्रवाई नहीं की तब परेशान होकर महिला ने इसकी शिकायत अजाक थाने में की, जिसके बाद मामला पंजीबद्ध कर लिया गया। SC ST एक्ट में मामला दर्ज होने की भनक लगते ही बिजली विभाग रीवा में पदस्थ कर्मचारी शरद श्रीवास्तव फरार हो गया है। इस मामले में नगर पुलिस अधीक्षक देवेश पाठक ने बताया कि जांच उनके पास पहुंची है, इसमें अब पीड़ित के कथन लेने के बाद वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। बहरहाल मामला उजागर होने के बाद बिजली विभाग में हड़कंप की स्थिति है और बिजली विभाग के अधिकारियों ने कैमरे के सामने कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। महिला कर्मी MPEV की आरोप लगाई है, जिसमें 354 और SC ST एक्ट का मुकदमा AGK थाना में कायम किया गया है। उसकी अभी तक विवेचना थाना प्रभारी AGK द्वारा की जा रही थी, अब वो विवेचना मुझे सुपुर्द कर दी गई है। अब आगे उसका अध्ययन करेंगे, उसमें कार्यवाही करेंगे। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।